कल से फिर दो दिनों तक लगातार पीएम का कर्नाटक में प्रचार होने जा रहा है। 2 और 3 मई को कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव प्रचार होगा। कल कर्नाटक में प्रधानमंत्री की 3 जनसभाएं हैं। इसके अलावा पीएम एक रोड शो भी करेंगे। कर्नाटक के कलबुर्गी में रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 3 मई को पीएम मोदी कर्नाटक में 3 रैलियां करेंगे। पहले 29 और 30 अप्रैल को लगातार 2 दिन तक पीएम मोदी इससे पहले कर्नाटक में चुनाव प्रचार की कमान संभाल चुके हैं। कर्नाटक चुनाव की सरगर्मी को देखते हुए पीएम मोदी कल से फिर 2 दिनों तक लगातार कर्नाटक में प्रचार करेंगे। इस दौरान पीएम 1 दिन में 3 रैली करेंगे। इसके साथ ही वो रोड शो में भी शामिल होंगे। पीएम मोदी 2 और 3 मई को कर्नाटक में चुनाव प्रचार करेंगे। कल कर्नाटक में पीएम की 3 जनसभा और 1 रोड शो होगा। पीएम कर्नाटक के कलबुर्गी में रोड शो करेंगे। इसके बाद 3 मई को भी पीएम कर्नाटक में 3 रैली करेंगे। इससे पहले 29 और 30 अप्रैल को पीएम मोदी ने कर्नाटक में लगातार 2 दिन चुनाव प्रचार किया था। 29 मई को पीएम ने हुमनाबाद, विजयपुरा और बेलगावी जिले के कुड़ाची में जनसभा को संबोधित करने के बाद रोड शो किया था। 30 मई को मोदी ने कोलार, चन्नापटना और बेलूर में रैली करने के बाद मैसूर में रोड शो किया था। पिछले 2 दिनों में मोदी की रैली में भारी भीड़ उमड़ रही है। पीएम मोदी ने हर मंच से कांग्रेस के जहरीले बयान का हवाला देते हुए खूब हमले किए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान पीएम ने कांग्रेस नेताओं पर गाली देने का आरोप लगाते हुए इस मुद्दे को भी भुनाने की भरपूर कोशिश की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी कर्नाटक में रहकर कर्नाटक की बात नहीं कर रहे हैं। और कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम बोम्मई और पूर्व सीएम बीएस येदुरप्पा ने पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट प्रजा ध्वनि जारी किया। बीजेपी ने घोषणा पत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड और एनआरसी का भी जिक्र किया है। बीजेपी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट प्रजा ध्वनि में कई बड़ी सियासी संकल्प लिए। बेंगलुरु में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो घोषणा पत्र जारी किया उसमें गरीबों, महिलाओं को राहत देने के साथ साथ उन मुद्दों को भी छुआ जो सियासी नजरिए से अहम है। जहां पहला वादा यूसीसी लागू करने के लिए कमेटी बनाने का है, दूसरा वादा कर्नाटक में एनआरसी लागू करने का है, तीसरा वादा अवैध शरणार्थियों को डिपोर्ट करने का, चौथा वादा कर्नाटक को ई व्हीकल हब बनाने का, पांचवा वादा किसानों को बीज के लिए 10,000 रूपए, छठा वादा बीपीएल परिवार को 3 साल में 3 LPG सिलेंडर, सातवां वादा गरीबों के लिए 10 लाख घर, आठवां वादा बीपीएल परिवारों को आधा किलो नंदनी दूध, नौवां वादा बुजुर्गों का हर साल मुफ्त हेल्थ चेकअप, 10वां वादा बीपीएल परिवार को हर महीने 5 किलो राशन किट का है। इन अहम बातों के अलावा पार्टी ने विजन डॉक्यूमेंट में हर नगर निगम के वार्ड में अटल आहार केंद्र में किफायती भोजन देने और महिला SC ST घरों के लिए 5 साल का 10,000 रूपए फिक्स डिपॉजिट करने का वादा किया है। पार्टी ने अलग अलग सर्किट के विकास के लिए 1500 करोड़ देने का वादा किया है। बीजेपी के प्रजा ध्वनि जारी होने के बाद जेपी नड्डा का बड़ा बयान सामने आया। समाज के निचले हिस्से का जीवन स्तर उठाने की कोशिश है। जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसे दूध सिलेंडर देना जरूरी है। कांग्रेस सिर्फ वादे करती है, राजस्थान छत्तीसगढ़ में कुछ भी नहीं दिया। कर्नाटक चुनाव को लेकर बीजेपी ने आज मैनिफेस्टो जारी कर दिया और मैनिफेस्टो जारी करने के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। नड्डा जी, आज आपने मैनिफेस्टो जारी कर दिया, आपने उसमें जो बातें की हैं उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो चर्चा उठ रहा है, जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि इसमें आपने नंदिनी आधा किलो गरीबों को देने की बात कही है, उसमें आपने कहा है कि 5 किलो हम रागी का फसल देंगे, अनाज देंगे उनको, आपने कहा है कि उसमें सिलेंडर हम 3 देंगे, तो इस तरह 21,000 रुपया मातृ जो होने वाली महिला उनको देंगे, 25,000 तीर्थ यात्रा के लिए देंगे, तो इसको लेके वो कह रहे हैं कि हम जब ये करते हैं तो कहते हैं कि फ्री वाई है और आप करते हैं तो ये एलोरमेंट नहीं है, कैसे? देखिए अमर जी, सबसे पहली बात समझिए कि इनके जो ये जो देते हैं उसमें कभी भी कोई मैथमेटिक्स का और इकोनॉमिक्स का कोई अर्थ नहीं होता। ये पॉपुलिस्ट स्लोगन्स के साथ देते हैं, हम सबकी बिजली 200 यूनिट मुफ्त कर देंगे, हम पानी की बिजली का बिल नहीं लेंगे, हम बस का ट्रैवल मुफ्त कर देंगे। हम क्या कहते हैं, हम बीपीएल परिवारों को पोषण आहार में ये देंगे। किनको देंगे? बीपीएल। किनको देंगे? गरीब लोगों को। मैंने आपको सुबह भी बताया, आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत किसको मिलता है? आपको मिलता है, हमको मिलता है? नहीं, आयुष्मान भारत मिलता है रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, सब्जी वाला,
बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का क्लीनर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, लिफ्ट मैन, बार्बर जो बेचारा बाल काटता है, ऐसे गरीब लोगों, रैग पिकर जो कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करता है, ऐसे गरीब लोगों को गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए हम 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर देते हैं। तो हम जब करते हैं तो सशक्तिकरण करते हैं। ये वो लोग हैं जो अक्षम हैं अपना इलाज कराने में, ये वो लोग हैं जो बीमारी के साथ जी लेना पसंद करते हैं लेकिन इलाज नहीं करा पाते हैं, इनको देना हमारी ताकत है। और उसमें एक बात सच्ची भी है कि उन्होंने देना तो है नहीं, दिया तो है नहीं, एक तो सरकार में आते नहीं, गलती से आ जाते हैं तो राजस्थान उसका चश्मदीद गवाह है, छत्तीसगढ़ उसका चश्मदीद गवाह है, कोई देना तो है नहीं, इसलिए मुफ्त में बोली चलो जो बोलना है। सर एक और जो बात इसमें से निकल आई है कि आपने डबल इंजन सरकार की बात की है, विकास की बात की है, डेवलपमेंट की बात करें कर्नाटक की, ऐसे में जब यूसीसी आप पहले भी 2 राज्यों में काम इस पर हो रहा है उत्तराखंड और गुजरात में, इसके अलावा आपने नेशनल रजिस्टर की बात की है, पॉपुलेशन रजिस्टर की बात की है, तो इन सब विषयों की क्या ज़रूरत पड़ जाती है? क्या ये मुसलमानों के प्रति बीजेपी का दुराग्रह तो नहीं ऐसा उठाया जा रहा? नहीं, वो तो उठाने वाले इन्होंने तो समाज बांट की तो राज किया है, हम ही ने कहा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, और ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, मैक्सिमम बेनिफिट हमारे माइनॉरिटी भाई ले रहे हैं, आवास योजना में मैक्सिमम बेनिफिट ले रहे हैं, स्वच्छता में मैक्सिमम बेनिफिट ले रहे हैं, इसलिए हमारा सबको साथ लेकर के चलने का है। ये फूट करो और राज करो, फूट डालो और राज करो, ये कांग्रेस की नीति रही है जो इन्होंने लंबे समय तक, हम सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। और यूनिफॉर्म सिविल कोड का जहाँ तक सवाल है, ये संविधान निर्माताओं की इच्छा रही है, पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंट असेंबली की डिस्कशन में है, और समाज को सबको साथ ले चलने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है। हाँ, इसमें समरसता बनी रहे इसलिए हाई पावर्ड कमेटी इनकी सब चीज़ों को डिटेल में वर्कआउट करती है। नड्डा सर, एक और महत्वपूर्ण जो विषय आज का है, खरगे साहब के बेटा, तो पिता ने जहां सांप और जहर की बात कही, आज उन्होंने नालायक बेटा कह दिया, ऐसा कर्नाटक की राजनीति में गाली गलौज का दौर पहले नहीं देखा गया। ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी का मानसिक दिवालियापन हो चुका है। जिस पार्टी की नेता, सबसे बड़ी नेता नेत्री मौत का सौदागर कहती हूँ, उसके बाद 91 बार जिस तरीके के शब्दों का बोला गया है और जिस तरीके के शब्दों का उपयोग किया है, और आका अगर खुश होते हों तो नीचे के लोग तो बोलेंगे ही बोलेंगे, ये इनके मेंटल बैंकरप्सी का ये एक जीता जागता नमूना है। ये स्तरविहीन पार्टी के नेताओं का बोल है, इनके मन में बौखलाहट है, मन में विष है जो ये आए बगाहे निकलता रहता है, और भारत की जनता हमेशा मोदी जी को और बढ़ चढ़ करके आशीर्वाद देती है। आखिरी प्रश्न नड्डा जी, अब महज 10 दिन बाकी रह गया है और आपने पिछले महीनों से यहाँ पे लगातार जमे हुए हैं, कई महीनों से, आप ये असेसमेंट अब कर सकते हैं कि कर्नाटक में कहाँ जा रहे हैं, बीजेपी आज कहाँ खड़ी है? अब 10 दिन में कुछ ज़्यादा बहुत चेंज नहीं होने वाला है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी यहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है? देखिए, हम बहुमत तो पा चुके हैं, अब आप जो नंबर की बात बोलते हो इसमें दौड़ा 10 दिन है, उसमें हम कितना रन बना पाते हैं इसकी हम चिंता कर रहे हैं, बस सीटों की रन कितना आगे बना, कितनी और सीटें ले सकते हैं, बहुमत तो हम ले चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन मस्तान के साथ आमोद राय, TV9 भारतवर्ष, बेंगलोर। राहुल गांधी और अमित शाह ने आज कर्नाटक के तुमकुर में हुंकार भरी। रोड शो के दौरान अमित शाह ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया। कर्नाटक में विजय पताका फहराने में सभी पार्टियां जुटी हुई हैं, ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं, बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के तुमकुर में विशाल रोड शो किया और तुमकुर की जनता से पार्टी को वोट देने की अपील की। रोड शो के दौरान अमित शाह ने कांग्रेस और JDS पर जमकर निशाना साधा। माताओं भाइयों बहनों, 10 तारीख को दिलीप को आपको जिताकर MLA बनाना है, अगर आप दिलीप को जिताते हो तो मोदी जी के नेतृत्व में डबल MLA।
अमित शाह ने कर्नाटक के पूर्व सीएम येदुरप्पा की जमकर तारीफ की। अमित शाह ने कहा कि येदुरप्पा जी ने कर्नाटक के लिए काफी काम किया है। शाह ने कहा कि हमने 4% मुस्लिम आरक्षण को खत्म करके लिंगायत और दलित समाज के आरक्षण को बढ़ाया है। अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में फिर आई तो मुस्लिम आरक्षण लाएगी। अगर कांग्रेस पार्टी आई तो सारा रिजर्वेशन लेकर फिर से मुस्लिम रिजर्वेशन लाएगी। कर्नाटक में राहुल गांधी भी धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। राहुल ने पीएम मोदी के गाली देने वाले बयान का जवाब दिया और कहा कि ये चुनाव पीएम का नहीं बल्कि कर्नाटक की जनता का है। कर्नाटक में चुनाव है और आपको अपनी सरकार बनानी है। राहुल गांधी को पूरा यकीन है कि इन विधानसभा चुनावों में कर्नाटक की जनता कांग्रेस को पूर्ण बहुमत देगी। तुमकुर में रोड शो के बाद तुरुवेकेर में जनसभा करते हुए राहुल गांधी ने पीएम मोदी के उस बयान का जवाब दिया जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर उनको गालियां देने का आरोप लगाया था। ये चुनाव आपके बारे में नहीं है, ये चुनाव कर्नाटक के जनता और कर्नाटक के भविष्य के बारे में है। आप कहते हो कि कांग्रेस ने मेरे ऊपर 91 बार आक्रमण किया, मगर आप ये कभी नहीं कहते हो कि कर्नाटक के लिए मैंने क्या किया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि कर्नाटक की मौजूदा सरकार में 40% कमीशन दिए बिना कोई काम नहीं होता। जो भी ये काम करते हैं, छोटा से छोटा काम हो बड़ा काम हो, कर्नाटक की जनता से 40% कमीशन चोरी करते हैं। राहुल ने पीएम मोदी से कर्नाटक की बीजेपी सरकार के 3 सालों का हिसाब भी मांगा। और वहीं कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी ने नेताओं और मंत्रियों की बड़ी टीम उतार दी है। कर्नाटक के तुमकुर में आसाम के मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा सरमा ने रैली की और कांग्रेस के जहरीले बयान पर हमला बोला। कर्नाटक के चुनावी दंगल में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा भी उतर गए हैं। तुमकुर में हिमंता ने बीजेपी के पक्ष में जबरदस्त चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में किसी भी सूरत में कांग्रेस की जीत नहीं होने वाली। साथ ही पीएम मोदी को सांप कहे जाने वाले बयान पर भी हिमंता ने कांग्रेस को घेरा। राजीव गांधी सेज दैट आई सेंड 100 रुपीज, विलेज गेट 10 रुपीज, सो हु ईट 90 रुपीज, दैट ओनली कांग्रेस पीपल। सो टुडे मोदी जी इज बाइटिंग every congress people because they have done injustice to the people of india. So modi ji is friend, philosopher, sevak, guide for every indian, but for congress people he is a snakes. Himanta Biswa ka dawa hai ki janta congress ke corruption ko pehchan chuki hai aur bharat mein agle 100 saalon tak kisi bhi chunav mein congress party ki jeet nahi hone wali hai. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी यूपी निकाय चुनाव के लिए जनसभाएं कर रहे हैं। सीएम योगी ने मुरादाबाद के बाद प्रतापगढ़ में विकास के नाम पर वोट मांगे। साथ ही समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर जमकर हमला बोला। यूपी निकाय चुनाव की कमान सीएम योगी ने अपने हाथों में ले ली है। सीएम योगी हर दिन ताबड़तोड़ चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। आज भी सीएम योगी ने मुरादाबाद के बाद प्रतापगढ़ में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर जमकर निशाना साधा। योगी ने कहा कि एसपी बीएसपी की सरकार ने युवाओं के हाथों में तमंचा दिया था, हमने युवाओं को टेबलेट दिया। सपा बसपा कांग्रेस ने युवाओं के हाथों में तमंचे पर पहुँचाए थे, हमने कहा तमंचा से नहीं, आज का युवा के हाथ में टैबलेट होना चाहिए, टैबलेट। सीएम योगी ने प्रतापगढ़ में जनता से कहा कि पहले की सरकारों में पेशेवर अपराधी सीना तान कर चलते थे, अब ऐसे नहीं चल पाएंगे। पेशेवर माफिया और अपराधी सीना तान करके चलता था, आज कोई अपराधी और माफिया सीना तान करके चल पाएगा क्या? आज हिम्मत कर पाएगा क्या? गले में तख्ती लटका करके चलता है सिर झुका करके, और थोड़ा सा सिर ऊपर हुआ नहीं कि अगले। अति अहमद के गढ़ लुकरगंज में कल सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली है और खबर यह भी है कि योगी आदित्यनाथ चकिया में एक रोड शो भी कर सकते हैं। यूपी निकाय चुनाव को लेकर कल बड़ा अहम दिन है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कल उस प्रयागराज में चुनाव प्रचार करेंगे जो कभी माफिया अतीक का गढ़ था। सीएम योगी कल प्रयागराज के लूकरगंज में रैली करने जा रहे हैं। योगी की रैली जिस मैदान पर हो रही है उस पर कभी अतीक अहमद का कब्जा था, जिस पर सरकार ने बुलडोजर चलवाया और जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के मकान बन रहे हैं।
तो चकिया के इलाके से होते हुए ही आएंगे। संभव है एक रोड शो की शक्ल में आए और लोगों को वेव करते हुए आए। मतलब कि साफ है कि अतीक के उस साम्राज्य को किस तरीके से चोट पहुंचा, किस तरीके से उसको नेस्तोनाबूद किया गया और किस तरीके से उसके कब्जे से ज़मीनें छुड़ाई गई, उसी ज़मीन पे यहाँ पे योगी आदित्यनाथ बाकायदा अपनी रैली करने जा रहे हैं और इस रैली के माध्यम से इलाहाबाद प्रयागराज की जनता से वोट मांगेंगे। सीएम योगी अतीक के गढ़ चकिया होते हुए रैली स्थल तक आएंगे। इसी मैदान के करीब ही अतीक अहमद का दफ्तर भी था जिसे योगी के बुलडोजर ने गिरा दिया। यूपी निकाय चुनाव में कहीं उम्मीदवार बदल जा रहा है तो कहीं बाहरी उम्मीदवार के खिलाफ बगावत हो रही है। देखिए संत कबीर नगर पहुंचे अखिलेश ने इस पर क्या कहा। यूपी निकाय चुनाव में कहीं ऐन मौके पर उम्मीदवार बदला जा रहा है तो कहीं बाहरी उम्मीदवार के खिलाफ बगावत हो रही है। संत कबीर नगर में समाजवादी पार्टी ने पहले जगत जायसवाल को उम्मीदवार बनाया लेकिन नामांकन के आखिरी दिन जायसवाल का टिकट कट गया और पवन छापड़िया को उम्मीदवार बना दिया गया। इस गलती पर अखिलेश यादव ने पीएम पर चुटकी ली और कहा कि गलती हो जाती है। सच्चाई तो ये है, ये वही जगह है जहाँ पर एक बार प्रधानमंत्री जी आए थे और कह के गए थे 2014 में गोरखनाथ जी, गुरु नानक जी व कबीरदास एक साथ मिलकर के बात कर रहे थे। अगर प्रधानमंत्री बड़ी गलती कर सकते हैं तो छोटी मोटी गलती तो हमने भी कर दी। वहीं दूसरी तरफ यूपी के पीलीभीत में बीजेपी को बाहरी कैंडिडेट देना भारी पड़ गया। यहां भाजपा प्रत्याशी आस्था अग्रवाल के खिलाफ जगह जगह पोस्टर लगाए गए जिसमें बाहरी भगाओ शहर बचाओ के नारे लिखे गए। बीजेपी उम्मीदवार आस्था अग्रवाल यहां अपना प्रचार भी नहीं कर पा रही हैं। यूपी निकाय चुनाव में सरकार के मंत्री ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हरदोई और सीतापुर की जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील की और विपक्ष पर हमला बोला। यूपी के निकाय चुनाव में बीजेपी धुआंधार प्रचार कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ राज्य के सभी दिग्गज बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हरदोई में जनसभा को संबोधित किया, बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगा। जनसभा के दौरान केशव मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा, माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी का चरित्र गुंडागर्दी का है, अपराध का है, माफियाओं का संरक्षण करने का है, वो कभी गरीबों के बारे में नहीं सोचते। केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा में धारा 370 और राम मंदिर का जिक्र किया, कहा कि अगर केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार नहीं आती तो ना कश्मीर से धारा 370 हटती और ना ही अयोध्या में रामलला का मंदिर बन पाता। मौर्य ने कहा कि 2017 से ही बीजेपी विजय यात्रा पर है, यूपी निकाय चुनाव भी बीजेपी जीतेगी, उसके बाद 2024 का चुनाव भी जीतेंगे। और यूपी निकाय चुनाव में सरकार के मंत्री भी पूरी मेहनत कर रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दावा कर रहे हैं कि जनता ने समाजवादी पार्टी समेत सभी विपक्षी दलों को नकार दिया है। यूपी निकाय चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे यूपी का सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। अखिलेश यादव योगी सरकार को विकास के मुद्दे पर घेर रहे हैं तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के राज में माफिया फलता फूलता रहा और अब जनता समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से नकार चुकी है। सपा का मतलब गुंडई, अराजकता, दंगा और पूरी तरह से प्रदेश को खोखला कर देना, सरकारी संसाधनों की लूट। और मैं कह सकता हूं कि आप देखते होंगे जब कोई टेंडर निकलता था आप 10-10 बंदूकें लेकर लोग कब्जा करते थे। खनन, जो हमारी खनन संपदा है प्रदेश की, उसको लूटने का क्रम, सरकारी पदों को लूटने का क्रम, मेघा के बदौलत हम नौकरियां दे रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजना जन जन तक पहुंची। बीजेपी जनता से यूपी निकाय चुनाव में समर्थन देकर उत्तर प्रदेश के तेज विकास के लिए ट्रिपल इंजन सरकार बनाने की अपील कर रही है। यूपी निकाय चुनाव में पहले चरण का मतदान 4 मई को होना है, चुनावी नतीजे 13 मई को आएंगे। आजम खान यूपी निकाय चुनाव में जबरदस्त चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आजम खान रामपुर चुनाव में चाकू को किस तरह चुनावी मुद्दा बनाने में जुटे हुए हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। मैंने कहा था बादशाह झूठा नहीं होता। यूपी निकाय चुनाव जीतने के लिए समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है। रामपुर की चुनावी जनसभाओं में आजम खान बार बार चाकू को चुनावी मुद्दा बनाने में जुटे हुए हैं। जौहर यूनिवर्सिटी पर एक्शन का दर्द भी आजम खान छिपा नहीं पाए। यूनिवर्सिटी को नुकसान पहुंचा दिया, आज अलीगढ़ या बनारस में क्या चीज पहचान है यूनिवर्सिटी,
क्या चीज रोजगार देती है? यूनिवर्सिटी लाखों लोगों के घर चलते हैं, पेट भरे जाते हैं, लेकिन तुमसे क्योंकि बदला लेना है इसलिए तुम्हारे हाथों में चाकू देने का इंतजाम है, ताकि तुम वही रामपुर वाले हो जाओ जब से 40 साल पहले थे, एक एक दिन में 4-4 कतल हुआ करें। एक बार फिर आजम खान ने दावा किया कि निकाय चुनाव में जीत समाजवादी पार्टी की ही होगी। हम आपसे वायदा करते हैं इंशाल्लाह सरकार भी बनेगी। उमेश पाल हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। अशरफ असद और असद हत्याकांड में शामिल सभी लोगों को कोडने मिला हुआ था। साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद ने दिया था ये कोडने। सभी आरोपी फेसटाइम पर कोडनेम से आईडी बनाकर बात कर रहे थे। उमेश के पड़ोसी ऑटो वाले नियाज को भी रेकी के लिए दिया गया था आईफोन। नियाज ने ही उमेश पाल की मुखबिरी कर शूटर्स को पूरी जानकारी उपलब्ध करवाई थी। जैसे जैसे उमेश पाल हत्याकांड की जांच आगे बढ़ रही है, अतीक को लेकर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब खुलासा हुआ है कि उमेश हत्याकांड में शामिल होने वाले सभी आरोपियों को कोड नेम दिए गए थे। बताया जा रहा है कि ये सभी कोड नेम अतीक ने ही दिए थे और उमेश की हत्या का प्लान बनाने के लिए ये सभी आरोपी इसी कोड नेम से बात किया करते थे। जानकारी मिली है कि इस हत्याकांड के लिए उमेश के पड़ोसी ऑटो वाले नियाज को रेकी का जिम्मा दिया गया था। जांच में पता चला है कि उमेश पाल हत्याकांड के लिए अतीक अहमद का कोड नेम बड़े 006 था। अशरफ अहमद को छोटे 007 कोड दिया गया। असद अहमद अंश अंडरस्कोर यादव 00 का कोड मिला। अली अहमद को पतले 009, गुड्डू मुस्लिम को ठाकुर 008, ऑटो वाला नियाज को XYZZ1122, शूटर अरमान को बिहार टावर का कोड दिया गया और वकील सौलत हनीफ को एडवो 010 का कोड वर्ड दिया गया। ये भी जानकारी मिली है कि आरोपी आईफोन के फेस टाइम पर इसी कोड नेम आईडी का इस्तेमाल करते थे। आरोपियों ने हत्याकांड के पहले और हत्याकांड के बाद इसी कोड नेम से एक दूसरे से बातचीत की थी। अतीक की पत्नी शाइस्ता को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। खबर है कि 4 दिन पहले जब एसटीएफ उसे पकड़ने के लिए पहुंची थी तो बुर्का पहनी महिलाओं ने पुलिस को घेर लिया, जिसका फायदा उठाकर शाइस्ता फरार हो गई। ये वीडियो 25 अप्रैल का है, जब यूपी एसटीएफ की टीम अशरफ के ससुराल शाइस्ता को पकड़ने पहुंची थी, लेकिन पुलिस को कुछ बुरके वाली महिलाओं ने घेर लिया और मौके का फायदा उठाकर शाइस्ता यहां से भी निकल गई। एसटीएफ के सूत्रों के हवाले से ये भी पता चला है कि इस दिन हटवा की मस्जिद से महिलाओं को घर से निकलने के लिए बकायदा अपील की गई थी। खास बात यह है कि जिस दिन पुलिस का यह जत्था हटवा गांव पहुंचा था, उस वक्त TV9 भारतवर्ष की टीम भी मौके पर मौजूद थी और उस दिन की एक एक कार्रवाई कैमरे में कैद हुई थी। सूत्रों की माने तो 4 दिन पहले पुलिस शाइस्ता के बहुत करीब पहुंच गई थी, लेकिन महिलाओं के दखल के बाद पुलिस को पीछे हटना पड़ा और शाइस्ता एक बार फिर यहां से भागने में कामयाब हो गई। बताया जा रहा है कि अतीक के परिजनों की गद्दी मुस्लिम समाज मदद कर रहा है, जिस पर पुलिस की पैनी नजर है। माना जा रहा है कि शाइस्ता अभी भी अशरफ के ससुराल के आसपास है। खबर आई थी कि शाइस्ता के हमसाये के तौर पर अतीक का गनर एहतेशाम उसके साथ है। पुलिस विभाग में रह चुके एहतेशाम को पुलिस के काम करने का तरीका अच्छे से पता है, लिहाजा वो पुलिस के हर संभावित एक्शन को भांपते हुए वहां से फरार हो जाता है। शाइस्ता की मददगार मुंडी पासी TV9 भारतवर्ष पर बयान दिया है। मुंडी पासी ने शाइस्ता से मुलाकात की बात कबूल की है। चुनाव के दौरान शाइस्ता से हुई मुंडी पासी की मुलाकात ये बताया, शाइस्ता ने धोखे से बुलाया था, मैं भाग आई वहां से, ये कहा है मुंडी पासी ने। अतीक अहमद ने मेरे भाई को मरवाया है ये भी कहा, मेरे खिलाफ कोई गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज नहीं है, ये सफाई भी दी मुंडी पासी ने। चुनाव के पीरियड मरिया डील धोखे से बुलाई शाइस्ता परवीन, ये महिलाएं भी थी और कहीं मुंडे चलना है, हम जब वहाँ देखे कि चुनाव के पीरियड है हम भाग आए। शाइस्ता कैसी औरत थी? गोरी से है, तगड़ी से। कैसा नेचर था उसका? हम आधे घंटे में क्या बता पाएंगे। कह रही है कि भाई मारे गए शाइस्ता परवीन या अतीक अहमद ने मरवाया? नहीं, मेरे भाई मारे गए हैं, मूलचंद पासी के, पता कर लीजिएगा अतीक अहमद मरवाए हैं। कौन मरवाए? अतीक अहमद। हाँ, लहास भी नहीं मिली, मूलचंद पासी की लहास भी नहीं मिली, तब विधायक थे। किसने मरवाया था? मूलचंद पासी को, अतीक अहमद। उस समय अतीक अहमद सांसद थे या विधायक? बहुत पहले तब विधायक थे, तभी हम भी छोटे थे, हमारे भाई की डेड बॉडी भी नहीं मिली। फरवरी में शाइस्ता आई थी, आपसे मुलाकात हुई थी? यहाँ नहीं हुई थी, चौराहे पे हुई थी। क्या उस समय क्या बात हुई थी? वो कह रही थी चलना है एक जगह, तो हम चले गए, तो वहाँ जब देखे चुनाव के पीरियड है तो हम चले आए।